मन का उच्चाटन भी इसी वजह से हो जाता है कि क्योंकि मन नहीं लगता कई बार कई चीजों को करने के लिए। मन का देखिए उच्चाटन शब्द तो अलग एक चीज हो गई, लेकिन अगर मन को कहें उचाट होना, तो उचाट मन, हालांकि उचाट भी उच्चाटन से ही बना है, लेकिन उच्चाटन एक पद्धति है, उच्चाटन एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, लेकिन उचाट हो जाना स्वभाव है, स्वभाव और प्रवृत्ति है और परिस्थितियां हैं। तो कभी कभी जब हम अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं, हमें जैसा हम चाहते और सोचते हैं, जब उस तरह का कार्य नहीं कर पाते हैं या उस तरह की परिस्थितियों में हम नहीं रह पा रहे होते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे हमारी जीवन शैली हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारा खान पीन हो, चाहे हमारी आमदनी हो जो हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, या हमारे सामाजिक संबंध हो, जब वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होते तो उसमें एक उचाटपन आने लगता है। तो थोड़ा सा जीवन में उत्सव धर्मिता भी बड़ी जरूरी है, फेस्टिवनेस होनी चाहिए जीवन में, थोड़ा सा एक पुलक होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए जो हमारे जीवन को सुख देती हैं। तो हम हमेशा बताते हैं कि कम से कम 5 काम आप रोजाना ऐसे करें जिन जो आपकी आत्मा को शांति देते हो, जिनसे आपको अंदर कुछ आपके कुछ खुशी बढ़ता मिलती हो, खुशी मिलती हो। तो आप पक्षियों को दाना डालें, आप थोड़ा वृक्षारोपण करें, कुछ प्लांटेशन में काम करें, किसी जरूरतमंद आदमी की कुछ मदद कर दें, है ना, ऐसी कुछ परमात्मा की प्रार्थना, पूजा प्रार्थना, ध्यान करें, कुछ और जो भी अच्छा काम, बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों से, जो लोग बिना वजह के ही हमसे बैर पाले बैठे हैं, कभी उनसे भी बात कर ली, जो लोग बिना वजह के बैर पाले, जी, वजह के साथ पाले हुए तो वो तो आपको कन्वेंस होंगे नहीं आपसे, बिल्कुल लेकिन जो बिना वजह, ऐसे भी बहुत लोग हम पाल लेते हैं अपने जीवन में कि लेना एक ना देने दो, और उनसे हमारा एक रेखा खिंच जाती है, तो उसको भी ज़्यादा पालने से कोई लाभ नहीं है। और बाकी लोगों के प्रति बैर से भरे रहना भी हमें कभी कभी उचाट करता है, या बहुत सारी परिस्थितियों को अस्वीकृत करना, मतलब आप सिचुएशंस तो आपके आसपास हैं लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, क्योंकि वो परमात्मा का सृजन है, उसमें मजा लेने लगो, जब उसमें आनंद लेने लगोगे तो फिर कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, डिगा नहीं पाएंगे, आपको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। एनीथिंग एल्स? ओह।